swimming alive, I've fat on green. बाईस साल की जिद्दोजहद रंग लाने वाली है, आज बड़ी तब्दीली आने वाली है। वजारत उज़्मा का ताज इमरान खान के सर सजने को तैयार, शहबाज शरीफ से वन ऑन वन मुकाबला होगा। दोनों के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार, इमरान खान की जीत यकीनी। फवाद चौधरी कहते हैं नंबर गेम पूरा है। हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह इमरान खान भी 180 और 184 के दरमियान वोट हासिल जो है वह बआसानी हम कर लेंगे और पहले ही राउंड में जो हतमी अक्सरियत है वो इमरान खान साहब को मिल जाएगी। अपोजिशन इत्तेहाद की हंडिया बीच चौराहे पर फूट गई। पीपल्स पार्टी का शहबाज शरीफ को वोट देने से साफ इनकार, राय शुमारी में हिस्सा ना लेने का बड़ा फैसला। कौमी असेंबली का इजलास 3 बजे होगा, वजीर आजम का इंतखाब होगा। तकसीम की बुनियाद पर वोटिंग होगी, वोट डालने के लिए लॉबीज में जाना होगा। 342 के ऐवान में कायदे ऐवान के लिए 172 अरकान की हिमायत जरूरी है। वोट की तादाद यकसा हो तो स्पीकर कौमी असेंबली का वोट फैसला कुन किरदार अदा करेगा। 9 मुंतखब वजीर आजम ऐवान सदर में ओहदे का हलफ उठाएंगे। महमूद खान आज वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का हलफ उठाएंगे। मुराद अली शाह मुसलसल दूसरी मरतबा वजीर आला सिंध बन गए। बलोचिस्तान में वजारत आला का इंतखाब कल होगा। जाम कमाल बीजेपी और बीएपी और तहरीक इंसाफ के मुश्तरका उम्मीदवार। और साबिक भारतीय वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी की आखिरी रसूमात आज दोपहर अदा की जाएंगी। मैयत कुछ देर बाद बीजेपी के हेडक्वार्टर पहुंचाई जाएगी। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी समेत दीगर रहनुमाओं की बीजेपी हेडक्वार्टर आमद का सिलसिला जारी।